जो सच्चे दिन का वादा कर एनडीए सत्ता में आई थी, आज उसी नारे को उनके मंत्री नितिन गडकरी ने गले में फंसी हड्डी बताया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अच्छे दिन का मशहूर नारा दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिया था, लेकिन यह नारा अब मोदी सरकार की गर्दन का बोझ बन गया है। गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा, अच्छे दिन मानने से होता है। दिल्ली में एक समारोह में मनमोहन सिंह ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, जब पूछा गया कि अच्छे दिन कब आएंगे तो मनमोहन सिंह ने जवाब दिया था, भविष्य में। मोदी जी ने यही बात कही और अब यह हमारी गर्दन का बोझ बन गया। आपको बता दें कि मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी लगभग हर रैली में अच्छे दिन के नारे लगाए थे। गडकरी ने कहा, अच्छे दिन कभी नहीं आते, अच्छे दिन के नारे गले में फंसी हड्डी है। अमित शाह के बाद अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी मोदी सरकार के नारे को जुमला बताया है। ऐसे में माना जा रहा है कि नितिन गडकरी का बयान सरकार के लिए फजीहत खड़ी कर सकता है। देखते रहिए डीबी लाइव।